हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ प्रेशर। सबसे पहले प्रेशर अगर सुनने में आता है तो हमारे दिमाग में चलता है कि वाटर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा और ब्लड का अपना एक प्रेशर होता है। लेकिन ये प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है जैसे अगर कोई कम जगह पे ज़्यादा फ्लूइड आ जाए या ज़्यादा एयर आ जाए तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ क्वांटिटी बढ़ जाती है। उस जितना चीज़ रहना चाहिए उतना नया होके उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर आगे फिजिक्स के टर्म में हम बात करते हैं तो द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे ये टैंक है, ये टैंक है। अब इसमें तीन जगह होल किया गया है तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगा वो नीचे के साइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर इतने सारे फ्लूइड का है, ठीक है, जबकि इसके ऊपर सिर्फ इतना ही फ्लूइड है और इसके ऊपर थोड़ा सा। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगा वो नीचे के होल से पास होगा। तो क्या मैंने क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस, जैसे ये सरफेस है इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया, इस सरफेस का एरिया। अब ये सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना तुम्हारा क्या प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जितना एरिया बड़ा होगा उतना आपका प्रेशर कम होगा और जितना फोर्स ज़्यादा होगा प्रेशर भी बढ़ेगा। तुम समझ में क्या आया? अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो आपका जो प्रेशर है वो कम होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे ये एक आपका खिल्ला ठोक रहा है दीवार में, तो अब इसका सरफेस एरिया कम है तो इसलिए आसानी के साथ ही चले जाएगा, ठीक है, ये स्क्रू चले जाएगा। और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इसके वजह से ये अंदर नहीं जा पाएगा। वैसे ही अगर आप किसी गद्दे पे खड़े होते हो, बेड पे खड़े होते हो, तो जो गद्दा है आपका वो दब जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया कम हो रहा है। और अगर आप लेट गए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, आपका जो फोर्स है वो बढ़ गया और सरफेस एरिया ही बढ़ गया। और यहाँ पे फोर्स आपका जो लग रहा है वो सेम लग रहा है दोनों में, दोनों केस में, क्योंकि वेट दोनों का सेम है लेकिन सरफेस एरिया जो वो अलग अलग है। वैसे अगर चाकू उल्टी चाकू चलाएंगे तो किसी चीज़ पे तो वो आपका कटेगा नहीं, वैसे अगर सीधी चाकू चलाएंगे तो वो कट जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है। चाकू जहाँ से धार होता है वहाँ का सरफेस एरिया कम होता है तो वहाँ पे फोर्स आपका कम लगेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू सो मच।